सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली हुई डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। 24 नवंबर फाइनल कॉल इमरान खान की। अब जबकि रात के 10 बज चुके हैं, इस वक्त ये जो फाइनल कॉल है इमरान खान की, इसके बारे में मतजाद राय आपके आ रही है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेक भी है, वीडियोस फेक भी हैं जो कि सोशल मीडिया में आ रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान की फ़ाइनल कॉल पे पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई के वर्कर्स, लीडर्स, एमएनएस, एमपीएस और उनके सपोर्टर्स, क्योंकि इलेक्शन में तो एक बहुत बड़ी तादाद ने वोट डाला है, तो क्या वो निकले हैं जिस तरह उम्मीद थी इमरान खान को? एक दूसरी तरफ ये सवाल है कि हुकूमत का ये दावा है कि ये शो भी इमरान खान का फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, और अब तक की हुकूमती जो मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स हैं उनमें यही है कि 3 सूबे में उनके अफरादी जो कुव्वत है, जो लोग हैं, वो बहुत बहुत नॉमिनल लोग निकले हैं, जो असल अफरादी कुव्वत निकली है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, जो कि केपीके से आ रही है और शायद अब तक अटक तक पहुँचे थे, और उसमें भी कहा जा रहा है कि पूरी सरकारी वसाइल के बावजूद ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये हुकूमत का दावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, जिसके बारे में पीटीआई कहती है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, और जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में, तो अब कितने लोग आए हैं, क्या इस वक्त न्यूज़ है, क्या स्टेटस है? और ये कि एक और न्यूज़ है कि वो ये है कि सिर्फ 24 नवंबर उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट पीटीआई का ये है कि वो जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस की हुई है, रुकावट है, कंटेनर्स हैं और उनके आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो वो कहते हैं कि हम ज़रूर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो उससे आगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर, और मुतालबा एक ही है कि इमरान खान को रहा करो। तो इस सिलसिले में अब दो चीज़ है कि एक तो हिकमत अमली होगी हुकूमत की, जो बहुत अहम है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पीटीआई का ये दावा उसी वक्त पूरा हो सकता है जब उनके साथ अफरादी क़ुव्वत हो। मेरे साथ दो अहम तरीन मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ महमूद मौलवी साहब हैं, सीनियर सियासतदान पार्टी कराची में इस वक्त हमारे स्टूडियो में, उनसे भी हम बात करेंगे। जी राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी। अच्छा सर, जाहिर है आप हुकूमत के आदमी हैं, वज़ीर हैं, वज़ीर हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। क्या ये शो जो है, जो फाइनल कॉल है इमरान खान का, अफरादी कुव्वत के लिहाज से फ्लॉप हो गया है, या आप समझते हैं कि नहीं बड़ी अलगार है जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर? मेरा नहीं ख्याल जो इसकी जो एक कोई पॉलिटिकल कोई वैल्यू है, या इसमें आप जिस तरह समझ रहे हैं कि उन्होंने एक इम्प्रेसिव किस्म का कोई एहतजाज की जो कर रहे हैं, क्योंकि एहतजाज करना और उनके डिमांड जो है उनका रिलेशनशिप कोई नहीं है कि रहा कर दें क्योंकि हम एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, उसको रिहा करना है तो डॉक्टर साहब अदालतों ने करना है, केसेस बने हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने साबित करना है केसेस जो हैं वो गलत हैं तो रहा हो जाए, अदालतें जो समझेंगी। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि उनकी डिमांड एनआरओ और किसको कहते हैं, यही उनका डिमांड है ना, अंदर बैठ के भी बात करते हैं हमें एनआरओ दो, और बाहर से भी जब ये प्रेशर डालते हैं इसीलिए करते हैं ना कि हमें एनआरओ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज लोगों को पता है कि ये सिर्फ एक काम के लिए कर रहे हैं, कोई उनको मुल्की दर्द नहीं है, कोई मसाइल के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है कि लोग किस तरह मजबूर हैं इसके एहतजाज की वजह से, किस तरह उनके मसाइल बढ़ रहे हैं। बाकी रही गैदरिंग, तो केपीके में उनकी गवर्नमेंट है, आप समझते हैं जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो उनके लिए इस किस्म का कट करना कोई
बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई पॉलिटिकल उसकी मैं तो कोई वैल्यू नहीं समझता। अगर कोई नज़रियाती बात हो या उसके ऐसे फॉलोअर हों तो फिर तो दूसरे सूबों से भी निकलें, पंजाब से भी निकलें और पिंडी से भी निकलें, कोई इधर उधर से भी निकलें, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसी कोई उसकी अहमियत नहीं है कि वो आ रहे हैं उधर से इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ तो हुकूमत को कोई खौफ नहीं है सर ये जो ऐलान हुआ है फाइनल कॉल का, और ये भी कि हम हर सूरत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमारे लिए कोई टारगेट 24 नवंबर नहीं, हमारा टारगेट इस्लामाबाद है। देखिए ये कोई दानिशमंदी तो नहीं है कि या नाम, मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसी ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी वो इस किस्म काम नहीं करती कि हमने मुल्क को नुकसान पहुँचाना है या उसको कारोबार को, मुल्की कारोबार को, लोगों के कारोबार को रोकना है। तो मैं समझता हूँ ये कोई सियासी जमात नहीं करती। हाँ अलबत्ता कोई जत्था हो जिसको आप कह सकते हैं जिसकी सोच ही तकरीबकारी की या शरपसंदी की हो कि हमने बजोरे बाजू ये सारा काम करना है, तो वो जत्थे के तौर पे तो निकल सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन सर आपके आईन में तो इस बात की इजाज़त पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है कि वो अगर एहतजाज करना चाहती है तो पुरमन एहतजाज उनका हक है। तो आपने जो इतना कंटेनर और इतने फोर्सेस लगा दिए हैं और ख़ुद आपने हाइप क्रिएट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, सारी चीज़ बंद कर दी है, तो आप नहीं समझते कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है आपकी हिकमत अमली में, जिसमें आपने खुद इनके एहतजाज को कामयाब करने की 50% तो आपने कामयाब कर दिया? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर जमात एक जो अमल में या पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, उनके एक करैक्टर उस पार्टी का या एक बैकग्राउंड होती है। मुझे बताएं जब से इस पार्टी का जन्म हुआ है इन्होंने एक ही काम किया कि तकरीबकारी, शरपसंदी या गाली गलौज की सियासत की है। 2014 का धरना को याद होगा, वो किस तरह इन्होंने उसमें जो सिविल नाफरमानी के एक वो टाइप की चीज़ थी, जब ये कहते थे बिल ना दें, जला दें, बिलों को जला दें, टैक्स ना दें, हुंडी के ज़रिए पैसे लाएँ, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फिर इन्होंने गवर्नमेंट की इमारतों पी टी वी हेडकोार्टर पर हमला किया, फिर इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, फिर इन्होंने गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट के बाहर लटकाए, और तकरीरें जो थी वो भी आपने सुनी। इसी तरह उसके बाद के जो वाक़ात हैं आपके सामने हैं, जब इनको हुकूमत थी तो उस वक्त क्या होता रहा, एक ऐसे फाशिस्ट गवर्नमेंट का इन्होंने एक सबूत दिया कि हम फाशिस्ट हैं। फिर 9 मई का वाक़या हुआ, जब भी मौका मिलता है ये कोई ना कोई मुल्की मुल्क को कमज़ोर या नुकसान करने की कोशिश करते हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, हुकूमती इदारों पर चढ़ाई कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ उसको देखते हुए तो यही कहते हैं कि डी चौक में मत आए, वहाँ बैठ के जलसा कर लें, एहतजाज करें, अपनी डिमांड उधर तकरीरें करें, जो मर्जी करें, तो लेकिन अगर कहते हैं डी चौक में जाना है तो आप समझें कि इसका क्या मतलब है। फिर किस टाइमिंग है इनकी देखें, चाहे वो चाइना के सदर का विजिट हो, उस वक्त 2014 की बात करता हूँ, या एस सी ओ की मीटिंग हो जो शंघाई तवान तंजीम है उसका कॉन्फ्रेंस हो, और अब बेलारूस का सदर आया हुआ है, पीछे भी जो एक दो डेलीगेशन बढ़े हैं उस वक्त भी इन्होंने कोई ना कोई हंगामा खड़ा किया, तो आप समझते हैं कि इससे गवर्नमेंट चुप रहे उनके पास। तो सर मुज़ाकरात करते ना आप, आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट तो मुज़ाकरात करती है, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं सर इन मामलों को रिजॉल्व करने के लिए। हमने कब कहा डॉक्टर साहब, हमारे तो स्टेटमेंट आती रही हैं, शिबाज साहब ने जब अपेक्स जब वो कमेटी की मीटिंग, सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई तो सो भी वहाँ उन्होंने जिक्र किया, जो अपनी उनके ओपनिंग रिमार्क्स थे कि हम तो बातचीत पे यकीन रखते हैं, हम जमहूरी लोग हैं और बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए मसाइल हल करते हैं। इसी तरह हमारे बाद सीनियर वज़रा के भी बयान आते रहे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो तो बातचीत करने को नहीं, वो कहते हैं हम तो किसी और से बात करेंगे जो बड़े ताकतवर हैं या उनके आपको पता है उनके क्या मामलात हैं। अगर इनका जहन ज़रा बार भी सियासी या जमहूरी हो तो इस किस्म की बात कर ठीक सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे आपसे एक बहुत दो अहम सवाल करूँगा, ज़रा महमूद साहब से भी ले लेता हूँ क्योंकि इस पार्टी में रहे हैं, बहुत कुछ इनको पता है। सर ये इमरान खान साहब की कहते हैं बहुत सारी पहले भी माजी में जो स्टेट जो फैसले थे वो गलत हुए, अदम एतमाद का तहरीक के वक्त जो उन्होंने असम्बली तोड़ी वो उनकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है,
पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दी ताकत अपनी, वो गलती है। KPK की हुकूमत ख़त्म कर दी, गलती है। कौमी असम्बली से बाहर निकल आए, साइफर का केस उठा लिया, 9 मई कर दिया। तो ये जो फाइनल कॉल दी है सर, ये किस बुनियाद पर दी है? क्या वो समझते हैं, और पूरी आवाम को उन्होंने कहा है, तो आप समझते हैं कि ये फाइनल कॉल इनकी बहुत बड़ी गलती है, और अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो क्या होगा? एक और दूसरा कि क्या आप समझते हैं कि लोग इनकी कॉल पे निकले हैं? आप भी मालूमात रखते हैं। देखिए, एक चीज़ और देखें, जो नज़र आ रहा है ना, फाइनल कॉल तो गलती है, उसकी वजह ये फाइनल कॉल हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक देखें, इनके पास सपोर्टर्स काफ़ी है, वर्कर्स नहीं है। और ये जो और वो जो, भी इनकलाबी वर्कर्स, इनकलाबी स्ट्रीट पावर, और स्ट्रीट पावर नहीं है। देखिए, बिल्कुल सपोर्टर्स हैं, वोटर्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेट्स फेस द रियलिटी। मगर इनके पास वर्कर नहीं है, और ये जो करने जा रहे हैं इसके लिए वर्कर्स की बड़ी ज़रूरत है, और वो भी हार्ड कोर वर्कर्स, ठीक है ना। ये तो आप अगर 2014 की भी बात करें, जो अभी राणा साहब बात कर रहे थे, उसमें भी जो थे ना, कादरी साहब का काफ़ी सपोर्ट था, कादरी साहब, हाँ बिल्कुल, फौज का भी सपोर्ट था सर, फौज का भी मतलब वही एस्टेब्लिशमेंट का भी बैकिंग थी, और कादरी साहब का भी सपोर्ट था। अब जो करने जा रहे हैं, ये देखें, ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। जब इमरान खान 2014 को एक मार्च किया था, तो उस वक्त भी उनके साथ 8,000 लोग थे, और कादरी साहब के जो लोग थे वो कोई 70,000-60,000 लोग थे। देखिए, होता है, उसकी वजह ये है कि और अब जबकि इमरान खान अंदर हैं, और बार बार उनके वर्कर्स बेचारे आकर टकरा के इस्लामाबाद से जा चुके हैं, थक गए होंगे, तंजीम है ही नहीं, क़यादतों में शदीद इख्तलाफ है, तो आप समझते हैं कि लोग निकलेंगे? नहीं, देखिए, लोग नहीं निकलेंगे। कुछ लोग देखिए, इनको KPK से बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि KPK के में देखिए, 10 साल अगर कहीं पे भी आप हुकूमत करते हैं तो आपके पास वर्कर भी जमा हो जाते हैं, वर्कर्स को भी कुछ मिलता है। बाकी सिंध से तो आपने देख लिया, कितने लोग गए सर, आपकी इतला तो है। मेरे हिसाब से सिंध से अगर बहुत भी गए होंगे तो 101 लोग सब गए हैं सर, हाँ, सिंध से बल्कि उनमें मेरा ख्याल से 14 सीटें जीती हैं सर, 14 सीटें जीतने के बावजूद 100 आदमी। उसकी वजह देखें, सिंध को तो उन्होंने पहले ही एग्जम्पशन दे दिया था ना, सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि देखिए, सिंध से लोग जाने को, इतना दूर जाने को, देखिए वर्कर्स भी थक गए, इसके लिए फाइनेंसिस चाहिए। एक बस जो यहाँ से जाएगी इस्लामाबाद, उसके लिए 8 लाख रुपये चाहिए, उसकी फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे? तो इन चीज़ों को मतलब पैसा तो PTI के पास बहुत है सर, पता नहीं कहाँ कहाँ से देखिए होती है। देखिए, फंडिंग अगर देखें आजकल, देखें मैं बताऊँ, फंडिंग जिस दौर में होती भी थी ना, आजकल फंडिंग भी लोग दे नहीं रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है, कराची के बिजनेसमैन नहीं दे रहे, कराची के बिजनेसमैन तो मेरे ख्याल से हाथ रोक रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो करने जा रहे हैं, इकनॉमी को नुकसान पहुँच रहा है। मैं कहूँगा, इनको जो थोड़ा बहुत हाइप जो मिला है ना, ये थैंक्स टू द गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, मैं बड़े स्ट्रेट कह रहा हूँ, इन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया इसका कि अब वो एक अजदहा बना दिया, हालांकि इतना है कुछ नहीं। देखिए, अगर वो आ भी जाते हैं, कितने लोग आएंगे और बैठ के क्या कर लेंगे? सर, लास्ट टाइम आ गए थे, याद है आपको, डी चौक पे उन्होंने आग वाग लगा दी थी दरख्तों को। नहीं, देखें वो जो लास्ट टाइम जो लगाई थी, देखें लास्ट टाइम भी वो डी चौक पे आकर निकल के वापस चले गए, लेकिन आग वाग तो लगा दी थी वो। देखिए, तो अगर थोड़ा इनसे उम्मीद की जा सकती है, इनके जत्थे, माजरत के साथ, इनके जत्थे में TTP भी आ जाती है, अफगान भी अभी पकड़े गए हैं, 10 लाख आदमी को सजा हुई है जो 9 मई वाले में, उसमें 4 अफगान हैं। देखिए, वो तो देखें, अपॉर्चुनिस्ट तो हर वक्त जो है ना, जो बाहरी बैरूनी मुल्क के लोग भी हैं ना, वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। यस, ये मैं आपको बता दूँ, इन जट्टे जब आते हैं ना, इसके अंदर मैं आपको कहूँगा, जो फॉरेन पावर्स है, वो जो मुल्क को डैमेज करना चाहेंगे ना, वो भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई चीज़ इशू बन जाए, कोई हादसा हो जाए, उसके बाद इसको हवा देंगे। देखिए ना, इसीलिए तो ये है कि इसको हादसा होने नहीं देना जो कर रही है ना, मैं कहूँगा एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो इतनी पैनिक कर गई है, मेरे ख्याल से वो इस चीज़ से घबरा रही है कि कोई ऐसा ना हो वाकया जिसमें हादसा और मैं कहूँगा शहादतें हो जाए, तो उसको मतलब लाशों की सियासत, लाशों को बचाना चाह रही है, क्योंकि अगर लाशें गिर जाती है ना, तो उसका फायदा डेफिनेटली PTI को होगा, इंटरनेशनल को। देखिए, उसमें इंटरनेशनल लोगों को भी होगा, PTI को भी होगा, और मैं कहूँगा कि देखिए, इकनॉमी बड़ी डैमेज होगी। इस वक्त मंडे को हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है,
लाख का बैरियर कल क्रॉस करना चाहिए, और ये अगर हालात खराब होते हैं तो ये रिवर्स की तरफ रिवर्स है। और इकोनॉमी इस वक्त बड़ी मुश्किल से सेट की है, अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मेहनत की है। मैं जरा सा तनवीर साहब अगर इनकी ये प्लानिंग है जो कि अभी मैंने इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से ये सुना था, किसी जगह बात कर रहे थे कि हम कोई 24 के लिए नहीं आ रहे, हम तो आ रहे हैं कि 24 को एंट्री नहीं देंगे तो हम 25 को घुसेंगे, 25 को नहीं देंगे 26 को, तो ये तो सर लंबी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, इसके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? क्या इसी तरह आप पूरे मुल्क में कंटेनर लगा कर और इंटरनेट बंद करके रहेंगे सर? डॉक्टर साहब पता नहीं आप उनको किस तरह, मैं तो मौली साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि ये देखिए कोई नज़रियाती बात हो, कोई डाई हार्ट हो, कोई सही जिसकी सोच हो, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कहता हूँ, ये एक ग्रुप है, जत्था है या टोला है, कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपको पता है 2018 के जब पार्टी तभी इलेक्शन जो इनको एक गवर्नमेंट मिली है उससे पहले इनका क्या हाल था, 2013 में क्या हाल था, 2000 उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2008 में उसका उसमें इनका क्या हाल था, 2002 में इसकी पार्टी का क्या हाल था। तो मैं समझता हूँ 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो जिस तरह पकड़ पकड़ के भेड़ बकरियों की तरह इलेक्टेबल्स के जो इलेक्टेबल्स थे आपको पता है जीपों में बिठा बिठा के, जिस तरह फिर पंजाब में जिस तरह गवर्नमेंट बनाई गई वो भी जो इंडिपेंडेंट थे उनको रात को उठाया गया, कौन लोग उठा के लाते थे वो भी आपको पता है, MPA जो 20 MPA इलेक्ट हुए थे इंडिपेंडेंट। तो इनकी कोई हिस्ट्री ये नहीं है कि कोई इनको बड़ी फॉलोइंग है, और जब इनकी गवर्नेंस थी तो उस वक्त भी आपको पता है कि इनका क्या हाल था, जब अदम एतमाद हुआ है इनका टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, जब 30-35 बंदे हमारे साथ बात करते थे तो इसी वजह से करते थे, वो इंदा परेशान थे कि हम इनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ना लड़ें, हमारी टिकटों के पे कमिटमेंट पे वो हमारे साथ आ गए थे 20 उनके करीब, तो ये इनकी हालत थी। फिर इनके माइंड सेट देखें, जब अदम एतमाद हुआ तो वो जो आप बात कर रहे थे कि जो इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं इनकी, जिस तरह इन्होंने वायलेशन किया है, जिस तरह इन्होंने अदम एतमाद पे असम्बली तोड़ दी, 5 मिनट में सारा कुछ कर दिया, ये वो कभी अनप्रेसिडेंटेड है, और वाहद आदमी है जिसके खिलाफ आईनी तौर पे ये निकला है, कभी भी अदम एतमाद 2-3 दफ़ा कोशिश हुई है कभी भी कामयाब नहीं हुई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने के बावजूद कामयाब नहीं हुई, बेनज़ीर के खिलाफ कामयाब नहीं हुई, तो इसके खिलाफ कामयाब हुई ये इस किस्म का शख्स है कि इसके साथ कोई नहीं चल सकता। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो यही है कि जो इन्होंने बताया कि 10-12 साल हो गए हैं इनकी हुकूमत है वहाँ, तो तीसरा टर्नओवर रोल ले रहे हैं, तो एक बेस बन जाता है जो एक क्लाउड होता है कि जी इनको फेवर्स ये वो क्रिएट हो जाता है, तो वो आ जाते हैं, उनसे आप तो करते हैं कि वो बैठेंगे यहाँ। आपको पता है जब ये धरना दिया था 2014 में तो वो 200-250 बंदा रह जाता था, कभी ये नाच गाना वहाँ करते थे, देखी किधर से आती थी, खाना किधर से आता था, वो आते थे जाते थे, आते कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मेला लगा हुआ था और कभी लाहौर से 100 बंदा चला गया, फिर अगले हफ्ते कोई किसी जगह से आ गया, तो देखते हैं ना आप समझते हैं कि ये लोग वहाँ आके ठहर जाएंगे, इस तरह लंबा ठहर जाएंगे, जो जो उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, मतलब आप सब लोगों को जानते हैं जितने इनके लीडर हैं, मुझे बताएं उनकी आप बैकग्राउंड नहीं जानते, कहाँ कहाँ से आए हैं, किन किन पार्टियों में थे, कहाँ कहाँ इनको जगह नहीं मिली तो कहाँ ये चले वहाँ पहुँच गया। अब उनका एक वोट बैंक है और वोट बैंक जो है वो पंजाब में उन्होंने कैप्चर किया पीपल्स पार्टी का, पहले PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी थी, अब इधर ये आ गए, तो वो लोग जो समझते हैं हमें इलेक्शन लड़ने हैं, जो इलेक्शन एक रवायती है जिस तरह सेक्टर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उनको इधर स्पेस नहीं मिली PMLN में, दूसरी तरफ चले गए, तो अब वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर कमिटमेंट दिखाते हैं। आप समझते हैं कि ये ज़्यादा देर वहाँ अव्वल तो आ नहीं सकेंगे और अगर आ भी गए तो ज़्यादा देर ठहरेंगे नहीं? मैं एक छोटे से ब्रेक पे के बाद आता हूँ, फिर 2-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे पूछता हूँ, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। महमूद साहब ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि अगर ये जो फाइनल कॉल जिसको दे दी गई है, चलें सियासी जमात या सियासी लीडर ये वाला काम नहीं करता है, खैर खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं,
पानी है, तो उन्होंने ये फाइनल कॉल दे दी है। अगर ये फाइनल कॉल, जैसे कि हुकूमत बता रही है, जैसे कि इत्तलात आ रही हैं कि लोग नहीं निकले, जैसे आपके पास भी हैं, तो अगर अफरादी कुव्वत इनके पास नहीं हुई और ये फाइनल कॉल आपके नाकाम होती है, तो इसका क्या नुकसान पहुंचेगा तहरीके इंसाफ और इमरान खान को? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मोहतरमा बुशरा बीबी का एक स्टेटमेंट था जो कि बड़ा संगीन स्टेटमेंट था, जिसका कहा ये जा रहा है, हर हलका ये कह रहा है कि इसका बड़ा नुकसान इमरान खान और तहरीके इंसाफ को पहुँचा है। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो बेगम साहबा का स्टेटमेंट था ना, ये इतना नुकसान दे इमरान खान साहब को, पीटीआई को और पाकिस्तान को। उसकी वजह देखिए, तीन ही मुल्क है जो कि हमेशा क्राइसिस हो या कुछ भी हो जिसमें पाकिस्तान डिपेंड करता है, चाइना, अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया विद द बैकिंग ऑफ अमेरिका। ठीक है, आज बल्कि खुल के ये कहें सर कि इन तीनों की रजामंदी से ही वजीर आजम बनता है। भाई देखिए, इन तीनों की रजामंदी से वजीर आजम के अलावा भी बहुत सारे बहुत कुछ और बनते हैं। ठीक है, बताइए, अगर सऊदीया नाराज हो गया तो इमरान खान आइंदा कभी वजीर आजम बन सकते हैं? और अगर और वो हो गया नाराज, वो नाराज तो है बहुत सर। मतलब ये कि आपने उसको चैलेंज कर दिया है कि आप शरीयत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई मामूली इल्जाम। मेरे ख्याल से बड़ा इमेच्योर, या तो ये बहुत ही इमेच्योर मैं कहूंगा ब्लंडर है, ब्लंडर था, या ये कोई गहरी साजिश है। मतलब देखे, या तो साजिश भी हो सकती है। उसकी वजह ये कि इससे जितना इमरान खान साहब और पीटीआई डैमेज हुई है, मेरे ख्याल से कभी किसी और ने इतना डैमेज किया ही नहीं। उसकी वजह देखे, आप अगर सऊदीज को नाराज कर रहे हैं तो आप अगर अमेरिका का इंतजार भी कर रहे हैं तो अमेरिकन भी अगर आते हैं तो वाया सऊदी आते हैं। ठीक है ना, तो आप सऊदीज को नाराज करके और ये कहना कि जी आपकी आपको हम मुझसे खतरा है। देखिए ना, अगर ये जो स्टेटमेंट था कि एमबीएस को खतरा है इमरान खान से, तो आप अंदाजा करें किस मतलब इमेच्योरिटी का इन्होंने मुजाहिरा किया। सर पहले भी करते रहे इन्होंने, सर साइफर केस, देखिए वो तो करते, और ईरान में जाके कह दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। देखिए ओआईसी एक और बनाने के चक्कर में पहले उनको नाराज किया, फिर ओआईसी का टाइम दे के वहां नहीं गए, सारी चीजें, फिर सीपैक बंद करके चाइना को नाराज कर दिया, रूस से यूक्रेन पर नाराज हो गए। तो मसलन ये ब्लंडर तो करते, देखिए ये ब्लंडर तो कुछ भी नहीं है, मगर खतरनाक सऊदी अरेबिया वाला खतरनाक ब्लंडर है। आप ये देखें ना, अभी जैसे आपने कहा कि ये फाइनल कॉल, अभी ये इसके बाद मैं आपको बता दूं 15 दिन के बाद एक नई कॉल आ जाएगी। फाइनल कॉल तो हो नहीं सकता ना। देखिए हमको, हाँ उसकी वजह आप मुझे बताए ना कि कोई मुल्क फतह करने तो जा नहीं रहे कि जी हम जो भी जाएंगे मर के वापस आएंगे, या ये स्पेन का वो जो कि जी चला दिया था कुश्ती नहीं नहीं, अब हमने आगे जाना है, आगे कहाँ जाएंगे? उसकी वजह देखिए, आगे जाने की कोई जगह ही नहीं है ना। अगर वो आप, मैं कहूँगा कि 1 लाख आदमी भी ले आए या 5 लाख आदमी ले आए, तो ये हुकूमत में तो नहीं बैठ सकते ना। मैक्सिमम ये होता है कि भाई गवर्नमेंट जाएगी, ठीक है ना, इंटीरियम सेटअप आएगा, 6 महीने साल वो बैठेगा, इलेक्शंस होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप 5 लाख फौज लेके आए, कल बोलेंगे जी आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ उतरो, ऐसी तो नहीं हो सकता। तो ये सोचने की बात है, जो ये सोच, लेकिन सर हुकूमत भी तो बहुत मजबूत है ना, क्योंकि हुकूमत को खतरा अदालतों से था, वो तो खत्म हो गया। देखिए और फौज हुकूमत के साथ यूं खड़ी है सर, तो अब किससे खतरा है सर? देखिए हुकूमत को खतरा नहीं है, मगर हुकूमत को अगर खतरा ना अपने आप से खतरा, अपने आप से हरकत। देखिए इमैच्योरिटी बहुत देखे ना कर जाती है। उसकी वजह इन्होंने, मैं आपको कहूंगा, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा किया विद द बैकिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी महंगाई कम किया, इंटरेस्ट रेट को कम, बहुत सारी चीजें अच्छी की, मगर ये जो है ना रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं ला पा रहे। ये देखे ना सर वहां पे क्या हुआ आपके पारा चनार में, देखे ना, और मगर पारा चनार में तो आप केपीके के गवर्नमेंट को भी आप जो है इल्जाम ठहराएंगे। उसकी वजह है कि केपीके के अंदर है ये, देखिए उनका इंटरेस्ट भी आप देखे ना कि बारा चनार में इतने खून खराबा हो रहा है, और इनका कंसंट्रेशन ये है कि जी हम जाएंगे और हम ये इस्लामाबाद फतह करेंगे। ये क्या 500 साल पुरानी बातें ना करें? देखिए ना, अगर ये 500,000 साल पुरानी बातें कि जी हम फतह करेंगे, तो ये ऐसे होता नहीं है, होता नहीं है। मैं आता हूँ जनाब राना तनवीर साहब, दो सवालात आपके पास लेकर आता हूँ। एक तो ये है कि सर
अगर फ़र्ज़ कीजिए 10,000 का जत्था लेकर ये इस्लामाबाद में घुस जाते हैं और आपके जो उनका टारगेट है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आपके नेक्टा का भी स्टेटमेंट है और इंटेलिजेंस का भी है कि जी इसमें जो है वो दहशतगर्द भी शामिल हो सकते हैं और दहशतगर्दी हो सकती है, अगर 10, 12, 15 आदमी की लाशें गिर गईं तो इससे हुकूमत के लिए तो परेशानी हो जाएगी ना सर। देखिए इसीलिए यकीनी बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए जो मैयत ले रहे हैं जिस तरह आप कहते हैं जी, मौलवी साहब ने कहा और आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत के कुछ मैयत लेने से कोई जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है इनके आने की वजह से, इत्तेजाज की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैयत ले रहे हैं वो उस ऐसे मैयत लिए हैं कि उनको हमने खुद ही हाइप क्रिएट कर दिया बिकॉल आपके। मैं समझता नहीं, हमें कॉशियसली हमने जो करना है बिल्कुल ठीक है कि एक तो आप बात कर रहे हैं ऐसे ज़्यादा शोर शराबा होता है कि जी हम पर बहुत बहुत बड़ा कोई वहाँ पर लश्कर आ रहा है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई मिसहैप हो, हम नहीं चाहते कोई ऐसा वाक्य आ जाए जैसे जो आप कहते हैं कि कोई मुश्किल पैदा हो। तो लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि लोगों को पता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये ना तो मुल्क के लिए बेहतर है ना हमारे निज़ाम के लिए बेहतर है, और खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ हो भी सकती है, लोगों को पता है कि पहले भी जो इनके अंदर घुसपैठिए हैं और चाहे इनकी मर्ज़ी से हैं या वैसे हैं, जो अभी बात हो रही थी कि कुछ फोर्सेज ऐसी जो एंटी पाकिस्तान हैं वो भी उसको उस मौके से फ़ायदा उठाती हैं, तो लेकिन शायद तो यही है कि इनके रबते इन लोगों के साथ हैं और इनकी जो महब वतनी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है जो पीटीआई की लीडरशिप है, क्योंकि इनके जो पास का जो इनका कंडक्ट रहा है वो किसी तरीके से भी ऐसा नहीं रहा जिससे पाकिस्तान की प्रस्टीज बढ़े या पाकिस्तान की जो एक किस्म की समझ लें कि मजबूती होती है वो उस पर के लिए भी इन्होंने कोई काम किया हो। तो अभी जो इनकी 5 साल गुजरे हैं हुकूमत वो भी आपके देख लें किस तरह की थी, दोस्त ममालक जो थे हमारे नाराज़ हो गया जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे 2, 4, 5 का, चाहे मलेशिया में वो जो आप बात करना चाहते थे वही था ना कि हम एक उन्होंने खुद ही ये प्रपोज़ किया कि वहाँ पे एक चैनल बनाते हैं और वहाँ इनॉग्रेशन थी तो नहीं जा गया वहाँ गए, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त खुद ही उसके स्पॉन्सर थे, वो भी खैर लंबी कहानी है कि किस तरह नहीं गया, क्यों नहीं गया और क्या हुआ, ये इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। तो इसलिए उन पर ये कहना कि उनको कोई मुल्क की थोड़ा एहसास है, या मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क को हर वो काम करते हैं जैसे पाकिस्तान कमज़ोर हो, फिर इन्होंने हर अदारे पर चढ़ाई की, अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की, गवर्नर साहब इनका जो हाल था वो आपके सामने है, तो ये जो बात आप कर रहे हैं उसी लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, कोई ऐसा वाकया ना हो। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो बुशरा अभी जो अगर क्योंकि आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और एक बड़ी बड़ी सियासी तंजीम से ताल्लुक़ है और काफ़ी अर्सा आपने सियासत को दिया है, कि अगर ये फाइनल कॉल नाकाम होती है तो पीटीआई और इमरान खान की सियासत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि जो ये बयान दिया था बुशरा बीबी ने, उनका स्टेटमेंट था कि ये मैसेज है इमरान खान का जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से जो संगीन इल्ज़ाम लगाया उसका कितना नुकसान इमरान खान या पीटीआई को मिलेगा सर? देखिए जो पहले आपने बात की है कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल है या नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह हम कहते थे कि ये एक मिस कॉल है कि उसने ऐसे मौका पे फिर एक ऐसी कॉल दे दी जिसका मैं समझता हूँ कि कामयाबी का 1% भी चांस नहीं है। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि ये फाइनल कॉल नहीं होगी, मैं बिल्कुल इससे इतफाक़ करता हूँ जो मौलवी साहब ने बात की है, एक ये पॉलिटिकली उसने बात कर दी लोगों को बाहरने के लिए कि ये फाइनल है, निकलें, लेकिन फिर 15 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी बोंगी मारेगा ये, या दानिस्ता तौर पे या जिस तरह भी होता है। लेकिन मैं बात बताऊँ कि जो इनके वर्कर हैं या वोट बैंक है कम हो रहा है, मैं बिल्कुल आप क्योंकि हम हमारे भी हल्के हैं तो ऐसा ऐसा लोग को थोड़ा शऊर आ रहा है या वो दिल बर्दाश्त हो रहे हैं या ऐसे मायूस हो रहे हैं, तो वो आस्ते आस्ते छोड़ रहे हैं वो पोजीशन नहीं जो कल थी, और कल जो है वो पोजीशन नहीं होगी जो आज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। यस इनके ऑफिस बेरर छोड़ रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं,
और वो हमारे साथ मिलते हैं और कहते हैं जी कि नहीं हम आपके साथ आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ वो पोजीशन आस्ते आस्ते ट्रेन की नीचे की तरफ जा रही है, जो सियासी एक साख है उसकी वजह से, क्योंकि लोग कब तक इस तरह का तमाशा देखते रहेंगे। ठीक है कि वो कुछ लोगों को वो होता है कि सोच आती है कि शायद ये बंदे के साथ, हर एक की अपनी अपनी एफिलिएशन होती है, सोच होती है, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बाकी रही सऊदी अरेबिया की बात, तो मैं समझता हूँ कि पहले ही इसकी कोई क्रेडिबिलिटी उनकी पास इतनी नहीं थी। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जिस तरह इनका जहाज़ उन्होंने दिया जाने के लिए न्यूयॉर्क, तो रास्ते में जो बातें हुई, फिर और एक दो इसने ऐसी की जैसे उन्होंने वो इनसे वो खासे पीछे हट गया, मायूस हुए या पीछे हट गए। तो ये उसने वो कहते हैं ना जी, और उसको तकवीयत दी है उसके उनके सोच को या मौकफ को। तो मेरा ख्याल है कि मेरा टोटली वो पुट ऑफ हो जाएंगे, अगर वो पहले 70-80% तो 100% ऐसे पुट ऑफ हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे कि ये बंदा है ही नहीं इस काबिल, जिस तरह साइफर का किया। अब लोग मुझे कह रहे थे जो यही बात कि पहले कहते गुलाम, क्या नहीं गुलाम, हम कोई गुलाम है? तो अभी ट्रंप के आने पे जश्न मना रहे हैं, और लोग कहते यार ये क्या तमाशा है, कल को तो कहते थे साइफर है और हम कोई गुलाम है, तो आज उनकी गुलामी की हदें फलांग रहे हैं। तो इसी तरह आप सऊदी अरब सुना नहीं सर कि इमरान खान साहब ने कहा था कि यू टर्न जो लेता है वो बहुत तो बड़ा सियासतदान होता है, बहुत अजीम सियासतदान यू टर्न लेते हैं। काल का भी यू टर्न यही काल जो फाइनल काल है इसका भी यू टर्न देख लेंगे। अच्छा सर मैं आता हूँ जरा इनसे भी एक चीज पूछ लूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है। अच्छा मैम साहब, इमरान खान साहब के बज़ाहिर जो उम्मीद थी बहुत बड़ी वो थी जुडिशरी, जो कि आप जाहिर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आपके मुनीब और जस्टिस अतर मिनुल्ला और ये वो जो टीम थी उससे बड़ी उम्मीदें थी उनकी तरफ से कहा जाता था, वो तो अब ख़त्म हो गई है, तो चेंज हो गया है। दूसरी तरफ फौज उनसे बात नहीं कर रही किसी भी सूरत में, वहाँ रास्ता बंद है। तीसरा ट्रंप का था जो कि उनको उम्मीद थी कि जी वहाँ से कोई कॉल आ जाएगी, वो भी अब नज़र नहीं आ रहा। और रियासतों के ताल्लुकात रियासत से होते हैं, शख्सियत से तो होते नहीं हैं। एक ही वाहिद रास्ता है उनका कि वो अदालत को परसू करें और वहाँ से अपने आप को डिक्लेयर करके निकालें। मुस्तकबिल क्या देखते हैं देखिए इमरान खान का? देखिए मैं आपको बताऊँ, अदालतों में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी वजह अदालतें हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी जो है इंसाफ मिलेगा किसी को भी। जब उनके पास वक्त कहाँ है बेचारे के पास, कितना साल हो का आपने एक साल बंद कर दिया और कितने साल की उम्र है उनकी? मेरे ख्याल से 74 साल। 74 साल में मजीद 5 साल 4 साल अगर इनकी हुकूमत ने बंद कर दिया तो फिर उनके पास आगे क्या रह जाएगा बेचारे के पास? देखिए वो जल्दी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए जल्दी है, मगर मैं आप देखें आम आदमी को जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सालों लग जाते हैं इंसाफ के लिए, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को दिनों में इंसाफ मिले? देखिए ना, हम जब बात करते हैं, इमरान खान साहब खुद भी कहते थे कि जी हम इंसाफ, उन्होंने अपने दौर में भी देखिए ना ये गलती उनकी खुद की हुई है कि इंसाफ के ऊपर तवज्जो नहीं दी और अदलिया के ऊपर उस वक्त भी तवज्जो नहीं दी। देखें अगर ये कहते ना कि हमारे दौर में हमने ये चीज़ें की, नहीं हुआ। देखिए आप KPK को देखें, 12 साल से ज़्यादा हुकूमत हो गई, क्या वहाँ पे जल्दी इंसाफ आम आदमी को मिल रहा है? नहीं, वहाँ पे भी सालों लग रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी यहाँ पे रातों रात खुल जाए और कल हो जाए। क्या उनकी जो मौजूदा क़यादत है जिसमें आजकल ज़्यादातर वकला हैं, इमरान खान से सिंसियर हैं? मेरे ख्याल से ये सारे नए चेहरे हैं और ये हर आदमी अपने आप को चमका रहा है और इमरान खान साहब को डैमेज कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँ। क्योंकि देखिए पुराने, इसलिए केस भी प्रॉपर नहीं लड़ा जा रहा है, केस भी प्रॉपर नहीं लड़ा जा रहा है और चीज़ों को जो है ना घुमा रहे हैं। आप मुझे बताएं इमरान खान बाहर आए तो ये सब होने हैं ना सर खत्म? नहीं देखिए इमरान खान साहब बाहर आएंगे ना तो ये सब खत्म, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों चाहेंगे सर? और ये मैं भी बता दूं, इमरान साहब जब आएंगे ना खान साहब, अगर बाहर जी के ना, तो वो इनको वैसे भी फारिग कर देंगे। तो इन चीजों को अभी मजबूरी में चला रहे हैं, मजबूरी में चला रहे हैं। और देखे इनके यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी जो बुशरा भी ट्राई कर रही है और उनकी हमशीरा, वो चाह रही है कि एक कोई लेगेसी हो उसकी, कि जब तक लेगेसी नहीं होगी ना
तो वर्कर्स भी पीछे खड़े नहीं होते। देखिए इंसान है, आगे देखे ना, हर आदमी, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, मगर हर चीज़ की एक लिमिटेशंस है, तो लेगेसी तो चाहिए लोगों को। तो अगर राणा तनवीर साहब ने मजीद 4 साल गुजार दिया उनको जेल में, तो फिर उनके पास सियासत का कोई टाइम रह जाएगा? देखिए फिर उनकी उम्र 80 साल तक हो तो जाएगी, फिर क्या रह जाएगा? तो 80 साल के पाकिस्तानी 80 साल में तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। राणा तनवीर साहब की तरफ चलते हैं, आखिरी है। राणा तनवीर साहब ये बताइए कि सर आप फेडरल हुकूमत भी हैं, सदर और आपके गवर्नर भी इस वक्त जागे हुए हैं, एक वजीर आला जिसके सूबे में इस वक्त ख़तरनाक खेल हो रहा है, मर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, किस तरीके से काटे जा रहे हैं अफराद को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है, वो उस पर तवज्जो देने के बजाय पूरे सरकारी वसाइल को एक शख्स की लिए वफ कर रहा है और मुकम्मल और एक दफ़ा नहीं बार बार कर रहा है, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी है। लेकिन ना तो फेडरल हुकूमत कोई एक्शन ले रही है, ना सदर कोई ले रहे हैं, ना गवर्नर कोई ले रहे हैं। देखिए मैं बात बताऊं जी कि वो तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि जी किस तरह करें, क्योंकि सियासी उसके समरा की मजमरात देखने पड़ेंगे, गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन फिट केस है गवर्नर राज के लिए। लेकिन मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि ये जो पीटीआई जिस जमात का नाम है, जिसको मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल जमात तो नहीं है, ये तो एक जत्था सा एक टोला है, शर पसंदों का है या दूसरे अपॉर्चुनिस्टों है, जो भी मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन जब से इनको हुकूमत भी मिली है तो आपने इनमें कोई ज़रा भर भी देखा कि गवर्नेंस का इनमें कोई एलिमेंट है, चाहे वो फेडरल लेवल पर खान साहब खो तो ये उनके पुराने साथी बताएंगे आपको भी और मुझे तो पता है, उस वक्त की बातें होती थी, 3-4 घंटे आते थे और वहाँ पे वो बिठाते थे वो जो क्या 20-23 लगाए टीवी पे आने वाले, क्या इनके थे वो पता नहीं, क्या उनको कहता है, नाम दिया हुआ था इनके स्पोक्स पर्सन, क्या उर्दू में क्या उसको कहते हैं जी, तर्जुमान ऐसे बनाए हुए थे 20-25-30, उनके साथ ये बातें करते थे, उनको गाइडलाइन देते थे, डायरेक्शन देते थे, या अपने वजीरों से पूछते थे MNA से आज असम्बली में किस किसने कितनी कितनी गालियाँ दी हैं, और उसको शाबाश मेहती जो नहीं देता था, ये उनके खुद लोग बताते थे मुझे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप भी वो असम्बली में कही हैं कि जी हमारी तो वहाँ कदर नहीं है, वो कहते हैं जी आपने कितनी गालियाँ दी हैं, तो मैं तो गाली नहीं दे सकता। तो ये इनका उस दिन उस तरह इसने बुजदार लगाया हुआ था, जो भी मौली साहब बात कर रहे थे, उसने क्या यहाँ किया गोलखला है पंजाब में, पंजाब 62% जो है वो पंजाब है, पाकिस्तान का हिस्सा, उसमें हुक्मरानी किसको दे दी, बेड़ा गर्क कर दिया जो शबाज साहब ने सारा काम किया हुआ था, अब उधर अली भी इनको बना दिया, आप बताएं इसकी ये अप्रोच है, और उन्होंने मुझे बताएं स्वाए वहाँ पे कभी गवर्नेंस अच्छी रही है आज तक, मुझे 12 साल में बताएं वहाँ करप्शन का क्या हाल था, गवर्नेंस का क्या हाल था, वहाँ इंतजामिया का क्या हाल था, तो ये सारी चीजें तो लगाए ना सर, गवर्नर राज लगाए ना, आप क्यों नहीं लगा रहे सर, उससे तोको रखनी के वहाँ के इलाज सर, गवर्नर राज लगाए ना, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, मैं मुझे जवाब दें सर, नहीं मैं डॉक्टर साहब यही हो रहा है कि वो बानी को छुड़ाना है, बानी को लाना है, सर गवर्नर राज लगाए ना, जब हालात इतना सूबे को तबाह हो रहा है, सूबा तबाह हो रहा है ना सर, आपका फर्ज है कि आपने एक्शन लेना है और कानून और आइन में उसकी गुंजाइश है, मेट्रो शुरू की थी वो भी सर गुंजाइश है आइन में, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, शायद वो भी वक्त आ जाए, आ जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस मौके पे, फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की और तर्जुमानी की हुकूमत की, और महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, वक्त खत्म हो चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।